सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं समरा दर्पण न्यूज, मैं हिमांशु सिंह। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पे। यदि उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश बरेली से बड़ी खबर आ रही। 4 मई 2020 को सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले श्रीमती युवा कल्याण समिति बरेली के द्वारा कोहिणा पीर क्षेत्र व कोहिणा पीर पुलिस चौकी तथा आजाद अस्पताल स्टेडियम रोड व किला क्षेत्र मालीबाड़ा और स्वरूप नगर चायवाली गुन्नूबाल नगर आदि स्थानों पर छिड़काव कराया गया, सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। जैसा आप सभी जानते हैं कि देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप है, उसको चलते पूरे देश में जगह जगह विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और इस संस्था के राइफल शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा श्रीमाली, नितिन सैनी, ऋषभ श्रीमाली, आशीष महेश श्रीमाली एवं अभिनय रस्तोगी, विवेक भाई और नीतीश भाई, अनुज श्रीमाली, धीरज श्रीमाली, कौशिक टंडन, राष्ट्रीय एकता संगठन एवं महात्मा ज्योतिबा फूले युवा कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री अशोक माली जी द्वारा उक्त स्थानों पर 7 बरेली शहर में थाना क्षेत्र किला थाना इज्जत नगर में सैनिटाइज का छिड़काव कराया गया। लोगों को माइक और अनाउंसमेंट करके जागरूक भी किया गया कि सोशल डिस्टेंस का बनाए रखें और मास्क पहने और बिना आवश्यक अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि कोई बहुत जरूरी आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकलें, वो भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और यहीं पर ये साबुन तथा सैनिटाइजर द्वारा करते हुए लोगों को समझाया भी गया है और जागरूक भी किया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी, इसका इलाज अभी तक दुनिया में संभव ही नहीं, नामुमकिन है। और ये आप देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज़ उत्तर प्रदेश बरेली से विनोद कुमार की रिपोर्ट।